मुंबई की रहने वाली मुस्लिम लड़की सबनम पैदल अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। जी हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामचंद्र की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को। इस समारोह को लेकर देश भर के श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इसी समारोह के मौके पर एक मुस्लिम लड़की अपनी दो सहेलियों के साथ पैदल ही मुंबई से निकल पड़ी है और अयोध्या जा रही है। आज उनकी यात्रा का छठा दिन है और आज वह हिंदू मुस्लिम बहुल आबादी वाले कस्बे मालेगांव पहुंचे। उनका बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया गया। इस मुस्लिम लड़की का नाम सबनम शेख है। वो अपने दो दोस्तों रमन राज शर्मा और विनीत पांडे के साथ अयोध्या की पद यात्रा पर जा रही है। एक मुस्लिम लड़की सबनम शेख ने जवाब दिया कि रामायण के बारे में सुनने के बाद उन्हें भगवान श्री राम में रुचि हुई। इसी तरह उन्होंने अयोध्या जाकर भगवान श्री रामचंद्र के बारे में और जानने की इच्छा व्यक्त की। तीनों दोस्तों ने समस्त देशवासियों को जनवरी माह में होने वाले इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। इस बीच जब वह मालेगांव शहर के बाहर मुंबई आगरा हाईवे पर पहुंचे तो यहाँ के नागरिकों ने उनका स्वागत किया। इस बार पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख। मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा के लिए निकली हूँ और मुझे आज 7 डेज हो चुके हैं और मैं अयोध्या जा रही हूँ श्री राम जी के दर्शन के लिए। जैसा आप लोगों को पता है 22 जनवरी को वहाँ पर उद्घाटन होने वाला है, लेकिन हम 21 दिसंबर 2023 को निकले हैं तो हमें नहीं लगता कि हम 22 जनवरी तक पहुँचेंगे, लेकिन हमारा प्रयत्न है, कोशिश है कि हम जितना जल्दी हो सके पहुँचे वहाँ पर। लेकिन इतना पता है कि हम 22 जनवरी तक इतना दूर का सफ़र नहीं तय कर पाएंगे, लेकिन हमें 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, हम दर्शन करके ही वापस लौटेंगे मुंबई। आज आप एक मुस्लिम तरुणी हैं और यहाँ मम्मी से अयोध्या जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा से यही बोलते आ रही हूँ कि प्रभु श्री राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान, नेक दिल इंसान होना ज़रूरी है। प्रभु श्री राम जी तो सबके हैं, पूरे भारत के। भारत में जो बच्चा बच्चा है ना, सबके। एक गाना भी है ना, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। तो वो अभी टाइम आ गया है क्योंकि हर कोई जय श्री राम बोलता है और बोल भी रहा है। रास्ते में भी हमें मुस्लिम लोग मिले, वो सबके साथ हमारे साथ नारा लगा रहे जय श्री राम का, और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। ग्राउंड लेवल पे तो हमें कुछ और ही देखने मिल रहा है। नो हेट, नथिंग, सब लोग आपस में प्यार कर रहे हैं, साथ में नारे लगा रहे, हमारा स्वागत कर रहे, सत्कार कर रहे, और क्या चाहिए। रामलला का इतना बड़ा प्रोग्राम अभी आ रहा है 22 जनवरी को, तो आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही बोलूँगी पूरे भारत देश वालों को कि भाई 22 जनवरी एक ऐतिहासिक डे है और 23 जनवरी को मेरा बर्थडे भी है एक्चुअल में। और बोलते हैं ना, 22 जनवरी के दिन सब लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि अपने घर पे भगवा झंडा लगाने वाले हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग भी ऐसी बातचीत कर रहे थे और जगह जगह पर जो भी सुविधाएं होंगी मेरे दोस्तों की बता रही थी कि वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। खाना पीना, जश्न का माहौल होगा, राम जी के धुन में सब मगन होंगे, मतलब भक्ति का माहौल होगा। एक होता है मस्ती का माहौल, होली में कैसे मस्ती का माहौल होता है, उसी तरीके से 22 जनवरी के दिन होगा भक्ति का माहौल पूरे भारत देश में। अच्छा था भाई।